असलम गवर्नमेंट ऑफ इन एंटी कोर्स से रिलेटेड एक और वीडियो में इस कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा और ये कोर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों क्या ऐसा इस कोर्स के अंदर है कि इस कोर्स की वर्ड बाकी कोर्स से ज़्यादा है यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की डिग्री से भी ज़्यादा है और गवर्न एस बार बार ये क्यों कहते हैं कि आप दस से पंद्रह लाख इस कोर्स को करने के बाद कमा सकते हैं तो इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल देखेंगे हम सबसे पहले बता देते कोर कोर्स और एडवांस कोर्स कोर कोर्स क्या होता है कोर कोर्स हमारे पास जो है उसका मतलब है जैसे आप गेम खेलते हैं एक ईजी मोड होता है एक हार्ड तो कोर का मतलब है यानी बेसिक आप कुछ भी तो उसकी बेसिक से सिखाया जाएगा बेसिक में है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वेब टू यूजिंग नेस एंड सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ऐसा क्या है तो आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड आप सब काफी लोग जानते होंगे इसके ये सबसे पहले हमें ये सिखाया जाएगा और ये कोर्स कंपलसरी है इसमें कुछ कोर्स ऑप्शनल भी है लेकिन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर कोर्स के सारे कोर्सेज हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा ये कोर्स हमें जरूर पढ़ने इसमें एस टी एम एल सी एस एस ठीक है जिसमें हमें ये टास्क दिया हुआ था कि आपको जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर है हीरा खान के एच टी एम एल सी एस एस के काफ़ी लोगों ने देखे हुए हैं हमने भी ग्रुप पे प्रैक्टिस कराई है अपने एच टी एल सी एस एस की ये तो बात हो गई एच टी एल सी एस एस की इससे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो उसमें सबसे अहम तरीन है वैब थ्री पॉइंट जीरो मेटावर्स थ्योरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपको इसके अंदर जिसके बाद पैनवर्स डो और वेब टाइम वेब थ्री पॉइंट जीरो के बारे में होता है वैब वन पॉइंट जीरो क्या थी वेब वन पॉइंट जीरो थी सिर्फ टेस्ट यानी कि आपको सिर्फ मैसेज पढ़ सकते है जैसे आप यहाँ पे इस पे कुछ पर कुछ पढ़ सकते हैं कुछ एडिट वगैरह कमेंट नहीं कर सकते लेकिन अब मैं जैसे यूट्यूब में जाता हूँ या फेसबुक में जाता हूँ वहाँ पर हम कमेंट्स भी कर सकते ये है वेब 2.0 यानी कि अब उसको हमने जो है वो एडवांस साइट वेब 2.0 अब जो हम यूज़ कर रहे थे वैब टू पॉइंट जीरो उसमें सिर्फ टेस्ट भी है रीड भी है और राइट भी है जबकि वन के अंदर सिर्फ रीड था राइट डी था अब टू के अंदर रीड और राइट है और थ्री इससे ज़्यादा एडवांस है उसको हम डिटेल में देखेंगे आगे तो फंडामेंटल ऑफ जावा स्क्रिप्ट के बीच सिखाई जाएगी आपको एक्मा स्क्रिप्ट 2022 हज़ार में यानी कि बिल्कुल एडवांस सिखाई जा रही है एक्मा एक स्क्रिप्ट 2022 अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो एक्मा स्क्रिप्ट टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू चल रही है जिसमें आपके जिसान ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा बाय जिशान हनीफ की वीडियो सर जिशान हनीफ है इनके आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं जो लोग देखना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाएंगे और इसकी बुक भी है बुक के कोड भी है देखिए सबसे अच्छी बात है कोट इतने इसके अंदर आपने देखा होगा एस्टिमेट सेसस जो सीक्रेट रहे इतने सारे कोड हम कैसे याद करें टैग वगैरह कैसे याद करें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं इसके बुक कोट आते हैं हम इतने सारे कोट याद नहीं कर सकते लेकिन उसके जो है बेसिक कौन सा कहाँ लगाना ये हमें पता होना चाहिए गेटिंग स्टार्ट एक्सरसाइज विद जावा स्क्रिप्ट ऑन नोट डॉट जे एस के बारे में पढ़ाया जाएगा सबसे अहम तरीन ये है फिर इसके बाद आएंगे आएँगे फंडामेंटल जावर स्क्रिप्ट एंड नोट जे एस की कोसिस वगैरह होगी आपके टेस्ट वगैरह होंगे इसके आपको डिटेल पूरी स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी आप इसको एक बार रोक के पढ़ भी सकते हैं तो ये बात हुई हमारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की अब नेक्स्ट अगर हम आए जो उसमें वेब टू यूजिंग नेस्ट जे एस की बात की थी अगर हम उसको खोलते वेब टू यूजिंग एस जे एस जैसे वेब टू हम बता चुके हैं वेब थ्री जिस पर टेस्ट रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते वेब वन में सिर्फ रीड कर सकते थे राइट नहीं कर सकते थे टू की खासियत ये है विद नेस जे एस के जरिए सिखाई जा रही है आपको ये जिसकी आपकी कोर्स आउटलाइन दिख रही होगी इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगी लैंड रिएक्ट रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में के ऑफिशियल वेबसाइट किस तरीके से क्रिएट करनी है उसके रेपो वगैरह हम देखेंगे चक्रा चक्र यू आई भी देखेंगे आगे जाके हम इसको रिमोट जो क्लास होगी रिमोट जूम क्लासेस जूम के ऊपर इसकी क्लासेस होगी और सबसे ख़ास बात इसकी कंप्लीट गाइड टू फ्लैक्सीबल कंटेनर एंड फ्लैक्स आइटम ठीक है ये भी आपको चक्र यू आई फ्रॉम से आपको डिटेल मिल सकती है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इसके आपको बेसिक के अगर आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आपको पढ़ा दी जाएगी लेकिन अच्छी बात है अगर आप इसकी बेसिक क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा क्यों ये कोर्स काफ़ी कोर्सेज से अलग है और एडवांस है और इससे हम इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक साल में ऐसा कोई कोर्स नहीं है पाकिस्तान में क्या करने के बाद हज़ारों डॉलर में कमाना शुरू कर देंगे क्योंकि इस कोर्स को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है आपको एक एक करके चीज़ ये भी हम गाइड कर रहे हैं कि कौर्स, इस कोर्स में ऐसी क्या खास बात है एस क्यू एल प्रिजमा नेजेस टाइलवेंट यस एस ये ये वो ये पूरे पूरे सेमेस्टर का एक कोर्स है ये समझ ले आपको सिर्फ़ एक साल के अंदर ये सारी चीज़ें को ये तो थर्टीन वीक के अंदर ही सारी चीज़ें कवर तेरह वीक के अंदर ये जो है आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तेरह ही वीक के अंदर वेब टू यूज ने अन यूएस एन अर्न यू लर्न ये आपको करा देंगे फिर वेब टू पॉइंट जीरो के आपको प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे कि आपको खुद ही प्रोजेक्ट करने होंगे किस का इस्तेमाल करते हैं टाइल वेंट्स एस एस चक्र यू आई और अब आ जाते हैं हम सबसे अहम तरीन कोर्स के ऊपर जो है हमारे पास Uh, सबसे अहम तरीन कोर्स हमारे पास जो है आवाज़ थोड़ा साथ नहीं ले रही क्लाउड नेटिव कम्प्यूटिंग क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग जो हमारे पास आ गया है अब हम बात कर रहे हैं एडवांस कोर्स की तीन कोर्स से कोर कोर्सेज़ के अंदर कोर कोर्सेज़ के जो थे वो हमारे पास कंपल्सरी थे वो हमारे पास च्वाइस नहीं है लेकिन यहाँ पे हमारे पास च्इस होगी यहाँ पे उन्होंने पहले ही गाइड कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट की स्पेशलिटी होगी उसको देखते हुए उसको एडवांस कोर्स में प्रिफेयर किया जाएगा कि आप ये ये कोर्सेज कर ले आपकी ये स्किल्स हैं तो इसके अंदर आपको दिख रहा है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग सबसे पहले तो इस वीडियो डी एफ एंटर क्लाउड डेवलपमेंट किट फॉर और और मजीद देख लेते इसको आगे चल के सबसे अहम तरीन ये देखिए आप ये जो कॉर्सेज है कौन सा वाला ये कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड डीप लर्निंग ये है सबसे एडवांस चीज़ जो के आप को ग्रो कर रही है और काफ़ी कोर्सेज से आपको अ, अलग सेपरेट कर रही है काफ़ी स्टूडेंट्स यानी अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो गए या किसी दूसरे ए, डिप्लोमा वगैरह होल्डर्स हो गए तो उससे ये कोर्स आपको सेपरेट कर रहा है ये हर जगह नहीं पढ़ाई जाती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इ, इस तरीके से और इतने हाईली हाईली टीचर जो कि बिल्कुल ट्रेन किए गए हैं बाहर से इन टीचरों को ये देख सकते हैं इसमें क्या है सबसे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग के बारे में आपको पूरी गाइड दिए जाए गाइड किया जाएगा कि क्या है उसकी बेसिक ए टू जेड डेटा साइंसिस डेटा से रिलेटेड जो भी आपको होगी उसके सेफ वगैरह करने की डेटा है क्या और डेटा की साइंस क्या है उसको किस तरीके से स्टोर्स वगैरह किया जाता है और ए तो आप जानते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इसका भी आप देख सकते हैं कोई तीसरे वीक में कोई से होगा साठ नंबर का होगा और पिछहत्तर मिनट का टाइम होगा इन्होंने गाइडलाइन पूरी दी हुई है आप पढ़ सकते। सबसे अहम तरीन आपने देखा होगा चैट जी पी टी या आगे टू बिल्डिंग नेस्ट इंटेलिजेंस एप्स विध ओपी आई पावरफुल मॉडल चैट जी पी टी आपने देखा होगा चैट जी पी टी फोर या चैट जी पी टीस ये, जे जे नेस्ट ये आ, आप लोगों को खुद ही डिज़ाइन करना सिखाया जाएगी अभी तो हम सिर्फ इसको यूज़ कर रहे होते ये हमें इसके मॉडल्स खुद डिजाइन करेंगे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये एडवांस लेवल की चीज़ें अब ये जो आ गई है और इससे आगे की भी और चीज़ें आती जा रही पायथन क्रैश कोर्स फॉर टाइप स्क्रिप्ट डिवेलपर ये भी कोर्स एक काफ़ी बड़ा कोर्स है पायथन का जिसको आपको क्रैश भी कराया जा रहा है, है. ये किसके लिए है टाइप स्क्रिप्ट डिवलपर के लिए जो टाइप स्क्रिप्ट डिवेलपर है नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं कोर्स वेब वेब थ्री एंड मेटावर्स अब आ जाती है बात वेब थ्री और मेटावर्स है क्या इस आ, कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे डी एप्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन प्रोडक्शन राइट स्मार्ट कॉन्टैक्ट यूनिट टेस्ट डैम क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर डैम उसके लिए हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट के लिए यूनिट टेस्ट के लिए डिवॉलिंग ए आर सी एन एफ टी टोकन एन एफ टी नॉन नॉन डिफेंडिट टोकन होता है सबसे एन एफ टी टोक जो होते हैं ये यहाँ पे नहीं होते पाकिस्तान में कम है एन एफ टी टोकन्स के बारे में डी ओ वेब थ्री एप्लीकेशन यू आल्सो नीड टू बिल्ड वेब थ्री पॉइंट टू पॉइंट जीरो टेक्नोलॉजी वेब थ्री एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन हम क्या करेंगे टॉप की वेब टू पॉइंट जीरो टेक्नोलॉजी जो है हम बनाएंगे यानी कि किसका वेब थ्री की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए वे, वेब 2.0 की टॉप की ऐसी टेक्नोलॉजी के जो सबको हैरान कर दे और जब ये ब्लॉक चेन एंड मेटर्स थ्योरी क्या है ब्लॉक जो है पाकिस्तान के अंदर अलाउ नहीं है काफ़ी का, कंट्रीज के अंदर ब्लॉकचेन जो है और या मेटावर्स हो गया इसकी थ्योरी जो है पढ़ाई जाती है और ब्लैक चो ब्लैक चो ब्लॉक चेन के बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ तक कि पाकिस्तान की अगर इकनोमिक तो की बात करें तो उससे भी कई गुना बड़ी मार्केट है सिर्फ ब्लॉक चेन के एक अगर आप उसकी किसी भी चीज़ की बात करें तो उसकी थ्योरी पढ़ाई जाएगी पूरी मेटावर्स हाउ इज़ रिवोलोनाइज एवरी थिंग बाय मैथ्यू बॉल्स के पब्लिशर जिसके बाय इमरान बशीर का भी फोर्थ एडिशन भी पढ़ाया जाएगा इसको मास्टरिंग ब्लॉक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट इन सॉलिडिटी डीप यूजिंग एथर्ड डॉट जी ऐसा आइए आपके पास इसी तरीके से ब्क चेन के आपको प्रोजेक्ट भी बताए बताए जाएँगे और क्रिएट अ टोकन एंड लॉन्च आई सी यू तो आपको यानी कि ब्लॉक चेन मतलब इसका मतलब एक ये हो रहा है कि ब्लॉक चेन बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है ये हम कह इस वजह से क्यों कह सकते हैं पाकिस्तान में पाउंड ब्लॉक चेन के ऊपर जो है ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर ये ब्लॉक चेन इस वजह से कह रहे हैं कि अगर आपको कोर्स कराया जा रहा है और वो चीज़ पाकिस्तान में है नहीं तो वो चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाती है तो इसके लिए लाजमी है कि ब्लॉक चेंज जो है बेड बे, है क्रिप्टो करेंसी वग़ैरह के जो है यूज़ किए जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास पाकिस्तान में भी जब भी हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अदरवाइज़ ये बारी यूज़ की जाती है सारी टेक्नोलॉजीज़ इसके प्रोजेक्ट देख सकते हैं आई डी ओ पी एम एल ने देख लेते हैं हम और क्या चाहिए चीज़ें इसके अंदर एम्बियन कंप्यूटिंग आई ओ टी तो इस कोर्स में क्या हमारे डेली लाइफ में जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको रिजॉल्व करें उसके लिए जो भी हमारे पास इशूज़ है पहले प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाए और उसके फिर सॉल्यूशन निकाला जाए आम अल्फाजों में देखा होगा आपने जो स्टार्टअप सेटअप जो होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें बता रहे होते उनके ऊपर फिर बिट की जाती है कि फिर इन्वेस्ट किया जाता है प्रोजेक्ट लाते हैं तो इसी तरीके से मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया जाएगा उनके ऊपर जो है वर्क किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया जा सकते सेंसर्स यूज़ किए जा सकते हैं कनेक्टिविटी क्लाउड कंप्यूटिंग उसके में यूज़ की जा सकती है क्लाउड कंप्यूटर के थ्रू जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करना जो कि आपके जो भी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करें ये थी हमारे पास ए, इसके में स्किल डिवलपमेंट एलेक्सावेट मैटर प्रोटोकॉल है नेक्स्ट जो है जेनोमिक्स बायो इंफॉर्मेटिक्स इसकी आप भी डिटेल पढ़ सकते हैं इसमें इसमें भी हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही जे जेनोमिक्स एग्जाम्पल्स वगैरह कराई जाएगी और उसकी पूरी टेस्ट बुक है जो करना चाहे वो उसके लिए ये पूरी टेस्ट बुक आप भी से, से देख सकते हैं इस पर क्लिक करके <laughs> नेटवर्क प्रोग्रामिलिबिटी एंड ऑटोमेशन दिस कोर्स विल फोकस ऑन लर्निंग बेसिक ऑफ नेटवर्किंग प्रिपेयर ऑफिस को सर्टिफाई सी सी एन ए का आपने शॉर्ट कोर्सेस जो करते हैं अलग अलग जगहों से सी सी एन ए वो वो लोग जानते होंगे सी सी एन ए क्या है सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन जो है सिस्को होगी जिसके अंदर हम जो है मॉडर्न नेटवर्किंग देखते हो और आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले देख रहे होते हैं जैसे कैमरे वगैरह आ गए सीसीटीवी कैमरे और दूसरी चीज़ें भी आ गई इसके अंदर उसको हम आईटी के थ्रू जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं तो ये तक की अब थी अब तक की वीडियो तो आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी कोई चीज़ अगर रह गई हो तो उसको बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा आपके साथ और आवाज़ थोड़े साथ नहीं दे रही से वीडियो नहीं आ रही और एच CSS के बारे में ए, बताते चले सी एस एस का नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा एक दिन में और जावा स्क्रिप्ट हमारी सीरीज़ चल रही ले, है उसका लेक्चर सिक्स भी बहुत जल्द आ जाएगा शुक्रिया अल्लाह हाफिज़